नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुशखबरी, स्कूल में अब बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील से पहले ब्रेकफास्ट देगी बिहार सरकार। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन से पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को इसे फायदा होगा। बिहार का शिक्षा विभाग यूनिसेफ की मदद से सभी बच्चों की सेहत का सर्वेक्षण भी कराएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ सेहत का भी ख्याल रखने जा रही है। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील से पहले नाश्ता देने को लेकर नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूली बच्चों को हेल्थ कार्ड तैयार होगा, साथ ही उन्हें मध्याह्न भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। ये नाश्ता प्री नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को मध्याह्न भोजन से पहले दिया जाएगा। नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा, नाश्ता क्षत्रिय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार कराया जाएगा। यह पैक्स फूड पोषण से भरपूर होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव भी मांगा है। अब ऑडियो मैसेज के जरिए भी बकाया बिजली बिल की दी जा रही है जानकारी। उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी को मिलेगा इसका फायदा। कई बार ऐसा होता है कि अपने बकाया बिजली बिल की जानकारी उपभोक्ता को नहीं चल पाती है। बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए SMS पर ध्यान नहीं देने और बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली काट दी जाती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। बिजली बिल जमा करने के बाद विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल की जाती है। बिजली उपभोक्ताओं को इसी परेशानी को दूर करने की विद्युत कंपनी ने की है। कंपनी ने अब SMS के साथ साथ ऑडियो मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ बिजली कंपनी को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकेगा। जिन घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन उपभोक्ताओं के बिजली बैलेंस के अभाव से गायब न हो सके, इसे लेकर बिजली कंपनी ने अनोखी पहल शुरू की है। यह उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में अब भी पुराने मीटर लगे हैं। बकाया बिजली बिल की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन कुछ लोग इसे देख नहीं पाते थे, जिसे देखते हुए कंपनी ने अब ऑडियो संदेश भेजना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी पहली बार इस तरह का प्रयोग कर रही है। रविवार से ही इसकी शुरुआत की गई है। पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू। जाने फिजिकल हियरिंग और वर्चुअल कोर्ट का शेड्यूल। लंबे समय के बाद सोमवार 27 सितंबर से एक बार फिर पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट चालू हो गया है। फिजिकल तरीके से मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन फिजिकल और 1 दिन वर्चुअल कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला लिया गया है। मुकदमों की सुनवाई के लिए यह सूचना जारी की गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभी हाईकोर्ट में उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है जिनके मुकदमे सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। कोर्ट द्वारा जारी किया गया ई पास एंट्री के लिए जरूरी होगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के गहराए संकट के बीच मार्च 2021 के बाद से अभी तक मुकदमों की ऑनलाइन ही सुनवाई की जा रही थी। वर्चुअल सुनवाई के बाद अब फिजिकल कोर्ट को भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिजिकल कोर्ट के शुरू होने के बाद भी अभी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के पहले शरीर का तापमान चेक किया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज करवाकर ही अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाईकोर्ट के प्रवेश द्वार पर विशेष तौर पर कर्मी तैनात कराए गए हैं। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अनिवार्यता का पूरी तरह से पालन कराते देखा जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन के लिए नहीं आया नाम तो न ले टेंशन। BSEB कर रही है स्पोर्ट एडमिशन देने की तैयारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर में नामांकन के लिए सोमवार को तीसरी सूची जारी कर दी गई है। हालांकि अभी भी लाखों छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। वहीं बिहार बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों का नाम अब तक नहीं आया है वो टेंशन न ले। BSEB की ओर से जल्द ही स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार बोर्ड ने कहा कि जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने कहा है कि तृतीय मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स तृतीय सूची के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार करें। इस दौरान स्टूडेंट थर्ड कट ऑफ देख सकते हैं। यह साफ है कि जिन जिन संस्थानों और विषयों का विकल्प स्टूडेंट्स द्वारा
भरा गया था, उन सभी संस्थानों और विषयों का कट ऑफ अंक संबंधित स्टूडेंट के कट ऑफ से ज्यादा है। मेरिट लिस्ट में एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्पोर्ट एडमिशन के संबंध में बाद में जानकारी दी जाएगी। तृतीय चयन सूची में चयनित स्टूडेंट्स अगर आवंटित संस्थानों में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। प्रथम नामांकन के बाद कुछ विद्यार्थियों को तृतीय चयन सूची से बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ है, जहां उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी। 7 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। लोगों से घर के बाहर ना निकलने की अपील। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। बक्सर समेत 7 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जताई गई है। बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, सिवान, मुंगेर और बांका के कई इलाकों में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन गुलाब ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। इस चक्रवात का असर बंगाल और उड़ीसा के तटवर्तीय इलाकों में होगा। IMD के मुताबिक बिहार और झारखंड में भी इसका आंशिक असर देखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। बिहार में बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को अब भरना होगा डबल जुर्माना। बिहार में अब बिना इंश्योरेंस के चलाने वाले वाहन चालकों को डबल जुर्माना देना होगा। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने में जुट गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को जिले में वाहनों के परमिट एवं बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली को लेकर विशेष जाँच अभियान चलाया गया। जानकारी के मुताबिक जाँच के दौरान 667 वाहनों की जाँच हुई, जिसमें नियम उल्लंघन करने वाले 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में DTO, MVI और ASI जाँच अभियान में शामिल है। सचिव ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से करा ले। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडालों में लगेगा CCTV, जुलूस, मेला, DJ पर रोक। कोरोना के खतरे के बीच नवरात्रि की तैयारी शुरू। दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार को बिहार के बेतिया जिले के शिकारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक में SDM धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि गाइडलाइन का पालन करते हुए दशहरा एवं चेहल्लुम पर्व मनाया जाएगा। सभी पूजा पंडाल समिति से अपील किया गया है कि पूजा पंडालों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है। DJ बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। मैनाटांड प्रतिनिधि के अनुसार मैनाटांड और इनरवा थाना में आयोजित शांति समिति बैठक में BDO पंकज कुमार, CO कुमार राजीव रंजन, मैनाटांड थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार और इनरवा थाना अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने कहा कि किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर पाबंदी है। पूजा समितियों को लाइसेंस लेना जरूरी है। 4 फुट से बड़ी मूर्ति नहीं, विसर्जन में सिर्फ 10 लोग ही रहेंगे शामिल। जिले में कहीं भी नहीं होगा रावण दहन। COVID-19 संक्रमण के बचाव व सुरक्षा को देखते हुए आगामी दुर्गा पूजा, काली पूजा व चेहल्लुम त्योहार को लेकर DM अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार द्वारा पर्व त्योहार के अवसर पर दिए गए निर्देशों के बारे में बताया गया है। इस बैठक में DM ने कहा कि आने वाले समय में जिले में चेहल्लुम, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि त्योहार है, इनके आयोजन के लिए सरकार द्वारा CMG की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में हम सबों को पर्व त्योहार मनाना है। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तथा संकीर्ण रास्ते पर मूर्ति की स्थापना करना कोविड संक्रमण को आमंत्रण देना है। साथ ही इन पर्व त्योहारों में अधिकतर लोग बाहर से आते हैं, जो कोरोना संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। DM ने कहा कि मंदिर खुले हुए हैं, दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि 4 फुट से अधिक बड़ी मूर्ति नहीं होगी। लाइसेंस में 20 व्यक्ति का नाम देना अनिवार्य होगा, जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। DM ने निर्देश दिया है कि मूर्ति के विसर्जन में 10 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे।
कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर क्या बोले सीएम नीतीश। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार से पत्रकारों ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर पूछा तो उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, बाद में पता चलेगा। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में कन्हैया कुमार के 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कन्हैया कुमार सीपीआई का लड़का है, अब वो कहां जा रहा है इस बारे में हम क्या कहें। कोई आदमी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि राजनीति में सबकी अपनी इच्छा होती है, कन्हैया कुमार से हम लोगों का भी परिचय है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी पार्टी में शामिल होने का निर्णय अपना होता है, सीपीआई छोड़कर जा रहे हैं तो जाने दीजिए, जाने के बाद पता चलेगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अभी तो ये खबर सिर्फ समाचार पत्रों में ही है। सावधान, बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी, 946 बच्चे पहुंचे हॉस्पिटल, 78 को अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर अपना कहर बच्चों पर बरपा रहा है। यहां वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे मंगलवार को दिन भर अस्पताल पहुंचते रहे। बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। एक ओर वायरल बुखार के कारण कोहराम मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर एक राहत की भी खबर है। राहत की बात यह है कि 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि वायरल पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। ये बच्चे बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती हैं। पूर्णिया जिले में इन दिनों वायरल फीवर के बीच 25 बच्चों के सैंपल जाँच में कुल 5 डेंगू और 3 मलेरिया के रोगी निकलने के बाद विभाग अब सतर्क हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।